एंड जो मेरा बाइक है वो भी मेरे घर पे अभी नहीं है, उससे सबसे पहले खाना बनाया यार सच में बड़ा। अरे ये पटना के गड्ढे कभी नहीं सुधरने वाले। अभी मरता भैंस की आंख। ओह शिट 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 शिट। और भैया ब्रेक देख लो भाई, जगुआर का हाल देख लो कैसे फंस चुका है जगुआर। गया खत्म खत्म यार शिट यार पूरा डिस्प्ले चला गया यार इसका। Hi guys, once again, welcome back to the channel. Hope you guys are all doing good and fine. आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने काम में। तो आज जो मैं ब्लॉग का शुरुआत कर रहा हूँ वो रात के 9:30 बज रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो रुको मैं आपको बाहर का सीन दिखा देता हूँ। विंडो खोल के ये देखो, अंधेरा ही अंधेरा सब जगह आपको दिखेगा। हाँ जी, तो मैं जब से ट्रिप पे से आया हूँ ये मेरा पहला ब्लॉग है जो कि मैं घर से शुरुआत कर रहा हूँ। और मेरा जो ईस्ट इंडिया का ट्रिप था बहुत ही मजेदार था, लेकिन मैं अच्छे तरीके से उसे शूट नहीं कर पाया बिकॉज मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे उतने सारे। एक जितना बने मैंने शूट करा और बहुत से फाइल्स मेरे डिलीट भी हो गए, तो उसको लेकर थोड़ा सा बुरा सा लगा। लेकिन आज आपको नाइट मोटो व्लॉगिंग देखने का मजा ही कुछ अलग है। तो आज तड़का डालने वाले और ऊपर से मेरा एंड जो मेरा बाइक है वो भी मेरे घर पर भी नहीं है, उससे सबसे पहले खाना वाना खा के फटाफट से जाके मेरे भाई के दोस्त के घर पे लगा हुआ, तो वहां से हम लोग उसे ले लेते हैं एंड देन फिर व्लॉग शूट करते हैं। चलो ह्यूज बर्डन ऑन हिज हेड। बिजली बिल फ्री का आता है तो कुछ करे कुछ करे। अभी अगर मेरा कैमरा बंद रहता तो 5 गाली मिलता गेंद कम को सुनने को। कैमरा ऑन इसलिए नहीं बोल रही कुछ। बाय जा रहे हैं, साथ में ले लीजिए, फिर मिलते हैं। 200 रुपये। हवा है पीछे ठीक है। बाय बाय। ठीक है भाई यार सच में बड़ा। अरे ये पटना के गड्ढे कभी नहीं सुधरने वाले, सच में बड़ा मजा आ रहा है यार, दिल खुश हो गया। दिल खुश हो गया यार, मतलब बाइक को चला रहा हूँ तकरीबन 1 महीने के बाद मैं से चला रहा हूँ। मैं स्कूटी राइड कर रहा था उतने दिन से और बाइक भी बहुत दिन से लगी पड़ी थी, वो यूज नहीं कर रहा था, तो अब मजा आ रहा है अपने बीस्ट को वापस से चला के। एंड भाई ये जो स्ट्रीट डॉग रहते हैं ना उनका मतलब कुछ समझ में नहीं आता, इधर इधर भागते रहते हैं, इन्हीं में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो डेड हो जाता है। तो एंड गाइस सच में ये चेक करें यार, रात को निकलने का यही तो फायदा है। देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है ये पुल, मतलब पटना में जितने भी जगह पुल बना है ना, ओवरब्रिज बना है ना, सब पे ये लाइटिंग कर दी गई है और इतना झक्कास लग रहा है रात के टाइम में ना ये, मतलब सच में इसको पूरे साल ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन मुझे तो लगता है ये कुछ दिन बाद ये खोल ही लेंगे, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई। अटल पथ, मरीन ड्राइव, सब जगह ये लाइटिंग पूरी कर दी गई है और इससे मतलब जो हमारे रोड की खूबसूरती है ना चकाचौंध बढ़ चुकी है। और ये पुल तो और भाई मस्त लग रहा है यार, ये दोनों तरफ से मतलब इसका चमक ही दूसरे तरीके का है। ये रहा अपना महावीर मंदिर एंड वो रहा पटना जंक्शन। रात के टाइम तो ये तो और प्यारा लगता है यार, मतलब मैं जिस भी चीज पास देख रहा हूँ सबको प्यारा प्यारा ही बोले जा रहा हूँ भाई। देखो मोटो ब्लॉगिंग करने का यही है कि जो मन में आए बोलते रहो, चुप मत रहो, जो समझ में आ रहा है जो बोलना है वो बोलो भाई। कैमरा तुम्हारा, चैनल तुम्हारा, ऑडियंस भी तुम्हारे हैं, तो तुम जी खोल के बोलो। मुझे देखना है भाई, मैंने अभी तक नहीं देखा है इसमें क्या क्या हुआ।
भाई पीछे तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है मुझे, चैन वैन भी लूज हो चुका है पूरा, और ये तो पूरा टूट ही चुका है यार, देख रहे हो पूरा टूट गया ये शिट। एंड ये रैप वैप सारा चीज़ खराब हो चुका, मतलब बाइक की क्या हालत हो गई है यार, समझ नहीं आ रहा मुझे इसे पूरा, मुझे चेंज करवाता हूँ मैं कल, ये भी पूरा लूज हो रखा है यार, क्या हो गया यार ये सब चीज़, मतलब ध्यान ना दो ना तो यही हो जाता है अपने बाइक पे। एंड टायर का पूरा ग्रिप भी ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैं ज़्यादा लीन नहीं करता, लेकिन कोई ना अपन इसे भी ठीक करवा लेंगे बहुत जल्द, तो चलो चलते हैं। ओ शिट 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 शिट, अरे भैया ब्रेकर कब बन गया यार, भाई साहब ये ब्रेकर मैंने अभी देखा, मैं अभी गिर जाता वहां पे लिटरली यार, गजब, मतलब अभी वो बंदा जाता अपाची वाला एकदम, उसका काम खत्म था, बच गया यार। लेकिन ये जो भी ब्रेकर बना है ना एकदम सही के लिए बना है भाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टर्निंग है, बहुत ही ज़्यादा लीन करना पड़ता है, इसलिए ब्रेकर देके बहुत ही सही काम कर रहा है, एक्सीडेंट से बचे हुए कम से कम, स्पीड स्लो करके, वरना बहुत से लोग स्पीड में आते थे और लीन करते थे और उनका एक्सीडेंट हो जाता था, तो ये सब चीज़ नहीं होगा। और भाई अब देख लो भाई जगवार का हाल देख लो कैसे फंस चुका है जगवार, एंड ये आगे थार एंड वो आगे BMW अपने प्रिंट किए जा रही है आगे में, फाइनली गाइस। तो यहाँ पे एक शांत जगह हम लोगों को मिल गया, यहाँ पे एकदम खाली खाली सा है, एंड इस टाइम मरीन ड्राइव पे इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब शांत वातावरण, एंड वो दूर आपको लाइटिंग दिख रही होगी वहाँ भी तो ये उधर मूर्ति विसर्जन जो करने जा रहे हैं उनका वो लाइट्स है, तो भाई अच्छा लग रहा है दिनों के बाद बाइक राइड करके यार। एंड यहाँ देखो प्रॉपर दिखाता हूँ मैं बाइक का हाल आपको, देख लो क्या हाल रखा है भाई, देख रहे हो सब चीज़ लूज़ हो गया, ये भी लूज़ हो गया, ये तो पूरा टूट के कहानी ख़त्म ही है इसका, एंड टायर भी पूरा ख़त्म हो चुका है यार, वो कहते हैं ना ऑलमोस्ट डेड, ये ऑलमोस्ट डेड है। एंड अभी टाइम हो रहा है 10:18, तो अब कुछ 5-10 मिनट रुकेंगे यहाँ पे एंड घर निकल जाएंगे यहाँ से। ओह शिट, मेरे पैकेट से कुछ गिरा, ओह शिट, मेरा फ़ोन गिर गया, शिट यार बस टूटा ना हो यार, शिट गया, ख़त्म यार, शिट यार पूरा डिस्प्ले चला गया यार इसका, गया शिट यार, बट अभी इसको पनौती लगना था यार। हाँ जी भाई साहब, तो व्लॉग की शुरुआत तो हुई थी बहुत ही खुशी खुशी, लेकिन अब व्लॉग जो हमारा एंड हो रहा है बहुत ही दुखी है हमारा दिल, क्योंकि देखिए हमारे फ़ोन को क्या हो गया, ध्वस्त हो चुका है पूरा, इसका किडनी और इसका कलेजा अलग अलग हो चुका है गिरने के वजह से, और इसमें ग्लास टेम्पर कुछ भी नहीं लगा हुआ था, तो अब इसे हम लोग जाएंगे इसका अंतिम संस्कार करेंगे, क्योंकि बहुत ही महंगा आता है ये सबका डिस्प्ले उस्प्ले, तो बनाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, ऊपर से लॉस हो गया एकदम, दिमाग ख़राब। अब मेरे पास बचा है एक ही फ़ोन, उसी से हमको एडिटिंग करना पड़ेगा अब, और नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, जाहिर सी बात है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, लिव इट लाइफ लिव इट ड्रीम, बूम केला खा लो फ्रेंड्स।